नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, विज्ञान और हम सब ये मानते हैं कि सृष्टि तथा मानव शरीर पंच तत्वों के मिश्रण से बना है, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश एवं जल। विधिवत सृष्टि संचालन तथा मानव शरीर संचालन के लिए इन तत्वों का संतुलन परम आवश्यक है। इन तत्वों के संतुलित रहने पर जिस प्रकार सृष्टि प्रसन्न रहती है, उसी प्रकार मनुष्य प्रसन्न तथा स्वस्थ और निरोगी रहता है। इन्हीं तत्वों के असंतुलित होने पर जिस प्रकार ज्वार भाटा और अन्य प्राकृतिक आपदाएं आती है, उसी प्रकार मनुष्य रोगग्रस्त, चिड़चिड़ा, दुखों से पीड़ित और कांतिहीन हो जाता है। किसी भी एक तत्व की न्यूनता या अधिकता दोनों ही खराब है। ये पांचों तत्व मूलतः ग्रहों और नक्षत्रों से ही नियंत्रित रहते हैं। अतः अगर हम सामान्य भाषा में बात करें तो ग्रह ही हमारे शरीर को संचालित करते हैं और रोग भी उसी संचालन का एक अंग है। ज्योतिष विज्ञान यह कहता है कि अगर श्रावण के महीने में बाबा भोलेनाथ को विशेष रूप से प्रसन्न कर लिया जाए तो व्यक्ति इन पांच तत्वों तथा ग्रहों के असंतुलन के साथ ही रोगों का भी निवारण कर सकता है। रोग निवारण के लिए श्रावण मास की अष्टमी को विशेष पूजा करनी चाहिए। श्रावण मास में अकाल मृत्यु दूर कर दीर्घायु की प्राप्ति के लिए तथा सभी व्याधियों को दूर करने के लिए विशेष पूजा की जाती है। मार्कंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ने लंबी आयु के लिए श्रावण मास में ही घोर तप कर भगवान शंकर की कृपा प्राप्त की थी, जिससे मिली मंत्र शक्तियों के सामने मृत्यु के देवता यमराज भी नतमस्तक हो गए थे। महामृत्युंजय मंत्र जो कि भोलेनाथ ने शुक्र को दिया था, महामृत्युंजय कवच का भी पाठ करें। इसके अलावा अगर आप पौराणिक महामृत्युंजय मंत्र पढ़ना चाहते हैं तो इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। मंत्र है, ओम मृत्युंजय महारुद्र त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनः। वैदिक महामृत्युंजय मंत्र इस प्रकार है, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मिम बंधनाम मृत्यु मूर्छे मामृतम। रोगी की पीड़ा निवारण के लिए इस यंत्र को भोजपत्र पर लिखकर रोगी के गले में बांधें। इस यंत्र को अष्टगंध से भोजपत्र पर लिखकर रोगी के गले में बांधे और बालकों को मिठाई बांटे तो रोगी की पीड़ा दूर होती है। इसके अलावा बच्चों के रोग निवारण के लिए यंत्र इस प्रकार से है, इस यंत्र को भी भोजपत्र पर लिखकर उस भोजपत्र को तांबे के ताबीज में रखकर बालक के गले में बांधे तो सब प्रकार की बाधा दूर होती है। रोग निवारण हेतु भगवान शंकर की पूजा, श्रावण मास में हर मंगलवार को भगवान शिव की विशेषतः रुद्राभिषेक तथा महामृत्युंजय का जाप करने से रोगों का जल्दी निवारण होता है। याद रखें कि रोग निवारक पूजा में कनेर के पुष्प भगवान शंकर को अवश्य अर्पित करें। मंगलवार को रोगी की शांति के लिए काली की पूजा करें और उड़द, मूंग और अदरक की दाल आदि से युक्त अन्न ब्राह्मणों को भोजन कराएं। किसी भी रोग से पूर्णतः मुक्ति के लिए श्रावण मास के प्रथम सोमवार से प्रत्येक सोमवार को भगवान शंकर को कपूर युक्त जल से अभिषेक करें। अभिषेक करते समय महामृत्युंजय मंत्र का निरंतर जाप करें। इस मंत्र जाप श्रावण मास के पश्चात भी पूरे वर्ष भर करते रहें, अवश्य स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। श्रावण मास में हर गुरुवार को विशेष पूजा करने से भी आयु में वृद्धि होती है। रोग निवारण हेतु महामृत्युंजय मंत्र जाप करते हुए शहद से अभिषेक करने पर भी रोग का नाश होता है। कुशोदक जल से अभिषेक करने से भी असाध्य रोग शांत होते हैं। भगवान शिव के मृत्युंजय मंत्र ओम जुम सह के 10,000 जाप करते हुए घी की धारा से शिवलिंग का अभिषेक किया जाए तो मधुमेह यानी कि डायबिटीज रोग दूर होता है। गाय के घी से अभिषेक करने से आरोग्य लाभ होता है। जो व्यक्ति हरि दुर्वा से भगवान शिव का पूजन करता है उसे दीर्घायु प्राप्त होती है। लंबी या फिर लाइलाज बीमारी से यदि तंग है तो पंचमुखी शिवलिंग पर तीर्थ का जल अर्पित करने से भी रोग मुक्त होते हैं। बुखार से पीड़ित होने पर भगवान शंकर को जल चढ़ाने से तुरंत लाभ मिलता है। नपुंसक व्यक्ति यदि घी से भगवान शिव का अभिषेक करे और ब्राह्मणों को भोजन कराए तथा सोमवार का व्रत करे तो उसकी समस्या का निदान भी हो जाता है और उसे पुरुषत्व की प्राप्ति होती है। किसी अच्छे ज्योतिषी से अपनी कुंडली का विश्लेषण कराकर ये पता कर ले कि आपके रोग का कारण कौन सा ग्रह है।
उसके पश्चात उस ग्रह से संबंधित तुलादान उस ग्रह के दिन और नक्षत्र वाले दिन करे, साथ ही शिव रुद्राभिषेक करे और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करे अथवा कराए, रोग से अवश्य मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।